हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अगर आप बिजली कनेक्शन ऑनलाइन किए हैं तो उसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजली कनेक्शन करना नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो को देख लेंगे और आप घर बैठे ही अपना ऑनलाइन बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, यानी कि जो मीटर का कनेक्शन है उसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से आप बिजली कनेक्शन का स्टेटस आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जहां से हम बिजली कनेक्शन ऑनलाइन आवेदन किए थे वो साइट को हम ओपन कर लेंगे, जो झारखंड का साइट है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसे हम ओपन कर लिए हैं, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ये साइट है, ये झारखंड का। इसको ओपन करने से आपको इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। अगर आप झारखंड का हैं तो आप यहां से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं, अपने दुकान के लिए, अपने घर के लिए आप ऑनलाइन बिजली कनेक्शन यहां से कर सकते हैं। दोस्तों, यहीं से हम अपना बिजली कनेक्शन ऑनलाइन किए थे और स्टेटस भी यहां पर आपको चेक करके दिखा देंगे कि मेरा जो कंज्यूमर नंबर है वो आ चुका है, मेरा अपना बिजली कनेक्शन मेरे नाम से अब हो गया है। तो आप भी घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपके नाम से बिजली कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप घर बैठे अप्लाई करना है तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो का आप देख लेंगे। दोस्तों, जब आप बिजली का कनेक्शन ऑनलाइन करते हैं और उसमें पेमेंट करते हैं तो उसका प्रिंट आपको निकालना पड़ता है और आपका आधार कार्ड फ़ोटो और कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेके अपना सब डिवीज़न में जमा करना पड़ता है, अपना नज़दीकी बिजली विभाग में जमा करना पड़ता है। उसके बाद आपके एक मोबाइल में मैसेज रिसीव होगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं मैसेज। तो इस तरह से आपका मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा, जो रजिस्टर किया हुआ मोबाइल रहेगा उसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं JH यानी कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से मैसेज आया। यहाँ पर डियर कंज्यूमर, योर अप्लीकेशन इज रिव्यू, यानी आपका अप्लीकेशन जो जमा किए हैं रिव्यू हो रहा और आवर टीम विल रीच एट योर एड्रेस, यानी कि उनके जो टीम है वो आपके एड्रेस तक पहुंचेंगे और आपका चेक करेंगे कहाँ पर बिजली कनेक्शन लग रहा है। तो ये मैसेज आपके मोबाइल पर रिसीव होगा। उसके बाद आपको किस तरह से अपना स्टेटस चेक करना है, चलिए आपको कंप्यूटर में दिखा देते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर सर्विस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू कनेक्शन, फिर न्यू कनेक्शन LT पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हम यहीं से ऑनलाइन आवेदन किए थे तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि हमने यूजर नेम पासवर्ड डाल के ही अपना ऑनलाइन किए थे। तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जितना भी कनेक्शन किए हैं वो सब का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ट्रैक न्यू कनेक्शन स्टेटस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो स्टेटस है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर स्टेटस ऊपर में लिखा हुआ है, ये आपका स्टेटस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड टू JE4 साइट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, ये JE के द्वारा साइट वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड किया गया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको फर्स्ट में मिलेगा। उसके बाद बिजली विभाग के टीम आकर मेरे एड्रेस में साइट वेरिफिकेशन करते हैं और उसके एक दिन के बाद ये मैसेज मेरे मोबाइल में आ गया था कि डियर कंज्यूमर, योर साइट वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। तो इस तरह से मेरा रजिस्टर मोबाइल पर मैसेज आ गया था। तो चलिए हम फिर से कंप्यूटर में जाके अपना जो स्टेटस है उसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको ट्रैक न्यू कनेक्शन स्टेटस पे फिर से हमको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए मेरा एप्लीकेशन नंबर जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, बगल में स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं AE issue वर्क ऑर्डर एंड फॉरवर्डेड टू JE। तो ये मैसेज हमको प्राप्त हो गया था स्टेटस में। उसके बाद कुछ लोग फिर उसके टीम आए और मेरा बिजली मीटर लगा हुआ था उसे चेक करने के बाद फिर गए। उसके बाद फिर से हम अपना स्टेटस चेक किए
तो उस समय हमको कंज्यूमर नंबर मिल गया था। चलिए हम आपको फिर से चेक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ट्रैक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, उसके बाद डिमांड नंबर आपको मिलेगा और बगल में देख सकते हैं स्टेटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर अलॉटेड कंज्यूमर नंबर इज, यहाँ पर बगल में कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपना कंज्यूमर नंबर देख सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन किए हैं तो आप भी अपना स्टेटस इसी तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको नया अपडेट मिल सके। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।